हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में। मैं हूं आपका दोस्त देव प्रियदर्शी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 22 फरवरी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए कुछ क्विजेस को। तो इस वीडियो को अंत तक देखो। वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। और इस वीडियो को आप लगातार देखो। रेगुलर हमारे वीडियो सुबह 8 और रात के 8 बजे आते हैं। आप उनको देखो, उसके क्विज लगाओ। दावे के साथ कहता हूं, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो पूरे करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। आप हमारे चैनल पे रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो। चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च बाय प्राइवेट कंपनीज। ऑप्शन आर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, ये क्वेश्चन मिस होंगे, और क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना तो मिस होगा। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए, चेंगलपट्टू कहां पे, तमिलनाडु। का आंसर हमारा क्या है, तमिलनाडु है। तो हमारा आंसर है तमिलनाडु। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 23 हैज बीन लॉन्च बाय मार्टिन फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन इन स्पेस जोन इंडिया। तो मार्टिन फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है कहां से, तमिलनाडु से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमला कस्तूरी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी करंट अफेयर्स में ना, डेट्स, फिर से किस किसका किसको किसी को पोस्ट मिला है इंपॉर्टेंट, और किसी का डेथ हुआ है। ये इन क्वेश्चंस पे बड़ा फोकस रहता है क्योंकि आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप रेगुलर इनको ध्यान में रखोगे, आसानी से आप इनको समझ सकते हो। तो कमला कस्तूरी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ, एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, प्लेयर या लिटरेटर। तो कमला कस्तूरी वॉज एनवायरमेंटलिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंट सोसाइटी चेन्नई। तो कमला कस्तूरी एक पर्यावरणविद थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। वो एक एनवायरमेंट सोसाइटी चेन्नई की उन्होंने स्थापना की थी। सी वॉज इन्वॉल्व इन सेवरल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स एंड कैंपेन्स टू सेव कावेरी रिवर फ्रॉम डाइंग यूनिट्स एंड क्लीन द रिवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कमला कस्तूरी। अगर आपने नाम नहीं सुना था तो एक बार फिर समझ लो, एनवायरमेंटलिस्ट थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, एनवायरमेंटलिस्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कौन पहला देश बन गया है जिसके साथ सीमा पार पर्सन टू पर्सन P2P पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा शुरू की गई है। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री विथ विच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड। योर ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और जापान। अगर आपको आंसर पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ। चलो चलिए देखते हैं। रिसेंटली इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI एंड सिंगापुर पे नाउ हैज बीन इंटीग्रेटेड टू इंश्योर फास्ट रिमिटेंस बिटवीन टू कंट्रीज। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के न्यूज में है, सिंगापुर के साथ पर्सन टू पर्सन में ये बात शुरू हुआ है। हमारा जो UPI है वो बहुत तेजी से पूरे विश्व में बढ़ रहा है। 20 कंट्रीज के साथ हम ऐसा समझौता कर रहे हैं जिसमें हम UPI का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमें याद रखना है, सिंगापुर इज द आंसर। ठीक है, आप इसके पूरे डिटेल में, आपको फिर से एक बार बता देता हूं, इसके पूरे डिटेल अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज पर मंथ के दर पे आपको ये पूरे PDF से डिटेल्ड में, ना सिर्फ क्वेश्चंस वाले बल्कि जो डिटेल PDF है वो अवेलेबल होगा। तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क करके, हमारे ग्रुप में जुड़ के आप PDF भी ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियोस फ्री हैं और आप इसको रेगुलर देखेंगे तो बहुत फायदा होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहां विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ले रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, नागपुर, कानपुर, पुणे और मुंबई। आंसर इज नागपुर। नागपुर क्योंकि इससे ये भी याद रखिए कि जो सड़क मार्ग पर्यावरण जो सड़क के मिनिस्टर हैं वो कौन है, नितिन गडकरी हैं। गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे भारत में उनका नाम है। वो नागपुर से ही MP भी हैं, तो उन्होंने उसकी शुरुआत कहां से की है, नागपुर में ही की है। ये पूरे विश्व का पहला ऐसा दिव्यांग पार्क होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का मेजबानी करता है। विच कंट्री होस्टेड द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जापान, इटली, जर्मनी या ब्रिटेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है म्यूनिक में। तो बताइए इसका आंसर, गेस करो।
आंसर इज द म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल जर्मनी में हो रही है, क्योंकि म्यूनिच जो शहर है वो जर्मनी में ही है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली जानते हैं। तो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस दैट फोर्सेस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज। इट ब्रिंग्स टुगेदर सीनियर पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन वन प्लेटफॉर्म इन म्यूनिच जर्मनी। 2023 का कॉन्फ्रेंस हेल्ड क्यों हुआ है? बट ऑब्वियस है कि एक ही चीज पूरे विश्व को और पूरे यूरोप को खाई जा रही है, वो है यूक्रेन और रशिया का वॉर। ठीक है, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू XDI ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी, दिल्ली, केरला या बिहार? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बिहार। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू XDI ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड यूएस विल वोस्ट इफेक्ट बाय क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, अभी आप देख रहे होंगे वसंत ऋतु, अभी इस पे बहुत चर्चा चल रही है कि वसंत ऋतु जो है वो स्किप कर गया और इसका बहुत नुकसान हमारे पूरे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट के अलावा हमारे फसलों पर भी, क्रॉप्स पे भी हो रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉन कौन है? हमारा बिहार। विद अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 22 इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन। तो ये बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार 68 में बिहार के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 22nd रैंकिंग है ग्लोबल और इसका एक्सपेक्टेशन है कि इसमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इज इमार्क्ड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री? ऑप्शंस आर 70%, 75%, 80% और 50%। अगर आपने इस बार का बजट देखा होगा और अभी लेटेस्ट न्यूज अगर आप देखते होंगे रेगुलर, तो आपको इसका आंसर पता होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस दैट रिकॉर्ड 75% ऑफ द डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट हैज बीन इनमार्क फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जी हाँ, बजट का 75% जो डोमेस्टिक हुआ है, उसको हमने डोमेस्टिकली इसको इम्प्रूव करने के लिए, डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए, डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स को डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में ही बनाने के लिए इस पे विचार किया जा रहा है और इस पे काम होगा। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल टेक समिट GTS 23 का मेजबान कौन है? हु इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल टेक समिट GST 23? विशाखापट्टनम, कोची, बैंगलोर या मुंबई? और इसके आंसर्स हैं विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ग्लोबल टेक समिट का होस्ट कौन कर रहा है? विशाखापट्टनम कर रहा है। ये इस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये G20 समिट के जो भारत जिसकी मेजबानी कर रहा है इस बार, तो G20 समिट के अंतर्गत ही ये सारे समिट्स हो रहे हैं। तो इसमें इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। अराउंड 1000 डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 25 कंट्रीज से, 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हार्बिंगर 23 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? हार्बिंगर 23 इज अ ग्लोबल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आरबीआई, सेबी, एसबीआई, वर्ल्ड बैंक? आपको अगर आंसर पता है तो सोच के रखो, तब तक मैं आंसर बताता हूं। जी हाँ, द आंसर इज द रिजर्व बैंक इज अनाउंस इट्स सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 23 डिजिट इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। थीम क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। तो हमारा आंसर है आरबीआई ने ही इस हैकाथॉन की शुरुआत की है, जिसका नाम है हार्बिंगर 23। ये इसका सेकेंड ग्लोबल हैकाथॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? इन विच स्टेट और यूटी द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द वुमेन स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको थोड़ा भी हिंट होगा तो आप जानते होंगे द इंडियन आर्मी ने यहां पर खेलो इंडिया इनिशिएटिव के तहत नॉर्थ कश्मीर के पार्ट में, यानी कि जम्मू कश्मीर। अरे भाई, जहां स्नो क्रिकेट है तो स्नो तो यही होगा ना मैक्सिमम। हमारे आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली कश्मीर में खेलो इंडिया इनिशिएटिव के तहत, खेलो इंडिया के तहत इंडियन आर्मी ने स्नो क्रिकेट का शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद रत्न अवार्ड 23 में किस नेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामित किया गया? टीके रंगनाथन, विद्युत परन महतो, गोपाल चिन्या रेसेट्टी, डॉक्टर अनमोल राम सिंह कोले? विच लीडर हैज नॉमिनेटेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द संसद रत्न अवार्ड 2023?
चलिए जानते हैं इसका आंसर। द आंसर इज अ टोटल ऑफ 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड टू पार्लियामेंट्री कमिटी हैव बीन ऑनर्ड इन दिस अवार्ड। टोटल 13 एमपीज को और दो पार्लियामेंट्री कमिटी को इसके लिए दिया गया। द जूरी कमिटी ऑफ एमिनेंट परमानेंट द अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामलों के राज्य मंत्री की अध्यक्षता और टीएस कृष्ण मूर्ति भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के सह अध्यक्षता में प्रतिष्ठित सांसदों और नागरिकों के नागरिक समाज की जुड़ी समिति से सांसद रत्न पुरस्कार को दिया गया है। प्रमुख सीपीआई नेता टी के रंगराजन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। तो आंसर है टी के रंगनाथन रंगराजन, जो कि सीपीआई सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक विस्तृत किया गया। टिल वेन डिड द यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं 31 मार्च, 31 अगस्त, 31 मार्च 2024 या 31 अगस्त 2024। डेट में कंफ्यूजन होने के लिए संभावना है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सिंपल कि इसको 3 साल के लिए, 5 मेंबर तो टेन्योर कब, 3 साल के लिए कमिटी होती है। इसको 31 अगस्त 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। आइए जानते हैं ये है क्या, थोड़ा सा इसका हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31st अगस्त 2024। ठीक है, तो इसका हम इसका आंसर 31st अगस्त होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करना, ठीक है, और कमेंट में बताना कि आपको इस वीडियो में और क्या अच्छा लगता है और क्या आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बता करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने का नंबर भी ये है और हमारे वीडियोस रेगुलर 8-8 यानी कि सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे आते हैं। तो आप हमारे वीडियोस को लगातार देखो यार। देखो करंट अफेयर्स अगर आप नहीं करेंगे तो करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को फुल में देखो, डेली के वीडियोस देखो और आपका सिलेक्शन जो है पक्का होगा, आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और बेल आइकॉन जरूर दबा लो और लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, फॉर योर टाइम एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त देव। तो मिलते हैं अगले दिन सुबह 8 बजे। थैंक यू।